अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एआरवाई न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नीलम यूसुफ। मैं हूं मोहम्मद खालिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे, सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। पीटीआई का कैंप किसने हटाया, मुअम्मा बन गया। रात हमला करने वालों ने ही कैंप हटाया होगा, इमरान इस्माइल का इल्जाम। अवाम ने धावा बोला था, हमने पीटीआई का कैंप नहीं हटाया, कंवर नवीद का जवाब। ज़िमनी इलेक्शन में कारकुनों को कुछ हुआ तो लंदन में कार्रवाई करूंगा, इमरान खान का ट्विटर पैगाम ऐलान। कहते हैं कराची के अवाम अल्ताफ हुसैन के हरबों के आदी हैं, एमकेएम दहशतगर्दी करके खुद मजलूम बन जाती है। ज़िमनी इंतखाब की गहमा गहमी के बाद मांग पड़ गई, करीमाबाद की काली पुलिस चौकी पर नशे के आदि अफराद का डेरा। तसादुम के बाद नारों की गूंज, पार्टी नगमों का शोर सन्नाटे में बदल गया। सौलत मिर्जा से तफ्तीश के लिए जीआईटी का नोटिफिकेशन, मच जेल को हुकाम को मौसूल, ताउन की हिदायत। 90 से गिरफ्तार उबैद उर्फ केटू की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शनाख्ती पेश। हम कोई एम्बेसडर तो नहीं है यहाँ पे, हम तो कैसे किस बंदे को सिक्योरिटी के लिए कहें कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करो और हमें उदैदा पहुंचा दो। सना में 178 पाकिस्तानी फंसे होने का इंकशाफ, यमन में महसूर पाकिस्तानी नदीम शेख की एआरवाई न्यूज़ पर फरियाद। कहते हैं उदैदा पहुंचने का कहा गया है, कैसे जाएं, रास्ते में जंग हो रही है। 150 से ज्यादा महसूर पाकिस्तानी अलशहर की बंदरगाह से पाक बहरिया के जहाज पर सवार, मंगल को कराची पहुंचेंगे। जहाज में पाकिस्तानियों समेत चीन, भारत और दीगर ममालिक के शहरी भी मौजूद हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो की 36वीं बरसी, आसिफ जरदारी और बख्तावर भुट्टो नोडेरो पहुंच गए। जियालों की मुल्क भर से काफिलों की सूरत में गढ़ी खुदा बख्शामद, फातह खानी का सिलसिला जारी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, वजीर आला पाकिस्तान, वजीर आला पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान, नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब के। सूबाई वजीर दाखिला शुजा खानजादा शरीफ बरादरान की वजारतों में चकराकर रह गए। शरपसंदों से निमटने के लिए पंजाब में इंसदादे दहशतगर्दी स्क्वाड का दूसरा दस्ता तैयार। लाहौर के इलाके बेदिया में शानदार पासिंग आउट परेड, जवानों के अमली मुजाहरे। और इंटरनेशनल क्रिकेट पर वापसी पर खुश हूं, पूरे एतमाद से बांग्लादेश जाऊंगा। जादूगर स्पिनर सईद अजमल कहते हैं माजी की तरह कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करूंगा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद।